अब नोएडा के सेक्टर 94 का ये पोस्टमार्टम हाउस ही बताएगा कि नए साल की उस रात आम्रपाली जोडियक अपार्टमेंट में हुआ क्या था, कैसे जश्न मनाते मनाते विवेक परमार नाम का एक नौजवान पांचवी मंजिल से नीचे आ गिरा। नोएडा के सेक्टर 122 में विवेक के अपार्टमेंट में उस रात विवेक के अलावा 7 और लोग मौजूद थे। घर वालों का कहना है कि मौका वारदात पर मौजूद वो तमाम लोग न तो विवेक के दोस्त थे और न ही उसके रूममेट। ऐसे में बहुत गुंजाइश है कि किसी प्लानिंग के तहत वो तमाम लोग विवेक के अपार्टमेंट में पार्टी करने के लिए आए हों। पे आके हमने देखा, बोल रहे हैं कि अननोन बंदे हैं इसके रूम में आए हुए हैं, 6-7 लोग हैं, डायरेक्ट कोई भी नोन नहीं है इसका, सभी लोग अननोन हैं और थोड़ी सी कंज्यूम की है, 2 बोतलें बता रहे हैं, लेकिन उसमें 7-8 बंदे हैं, 12 बजे से लगे हैं, 5 बजे तक कौन पीता है। परिवार वालों के इस शको शुभा को पुलिस ने भी नजरअंदाज नहीं किया और उस वक्त फ्लैट में मौजूद सभी 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस भी पुख्ता तौर पर ये कहने से बच रही है कि ये मामला कत्ल का है या फिर किसी हादसे का। ये फेज 3 की घटना है जो परसों रात न्यू ईयर ईव के दिन रात की बात है ये, और जो मृतक है वो अपने दोस्तों के साथ, कई दोस्तों के साथ अपने फ्लैट में मौजूद था। उसके बाद उसकी ऊपर से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसका पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के परिवारजनों को बुलाया गया। मृतक जो है वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का रहने वाला था, उसके परिवारजन कल आ गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। नोएडा के सेक्टर 122 की जोडियक सोसाइटी में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। दोनों रूम पार्टनर नए साल पर अपने घर गए हुए थे और विवेक फ्लैट में अपने कुछ जानने वालों के साथ न्यू ईयर की पार्टी कर रहा था। तभी सुबह 4 बजे के करीब वो अपने 5वें फ्लोर से सीधे नीचे गिर गया। मुझे तो डाउट है कि कुछ ना कुछ है हुआ, हम नहीं बता सकते, अब तो पुलिस पे है डिपेंड, पुलिस जल्द से जल्द तहकीकात करे। और भाई फ्लैट पर चले गए थे? नहीं, 2 लोग और थे, एक उन्हीं की कंपनी में थे और एक और हैं। क्या आपने इसकी पुलिस में शिकायत की? हाँ, हमने अभी FIR कर दी हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हालांकि फ्लैट में मौजूद दोस्तों का कहना है कि उस रात कोई विवाद नहीं हुआ था, दरअसल सभी लोग शराब के नशे में चूर थे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ये सच है कि पार्टी में मौजूद 7 लोगों में से कई तो ऐसे थे जिनसे विवेक पहली बार मिला था, लिहाजा किसी तरह के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता।